वार्ता आपका नजरिया आपकी आवाज। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ के हल्दरपुर थाना क्षेत्र से आ रही है, जहां पर 23 वर्षीय लड़का जिसका नाम रविनंदन भारती उर्फ चंदन बताया जा रहा है, शादी के 3 दिन पहले ही गायब हो गया। 17 तारीख को हल्दी का दिन रखा गया था और हल्दी के दिन ही सुबह 6 बजे उठकर वो बाहर गया, जिसके बाद वह लौटा नहीं, जिसको लेकर घर वालों में काफ़ी कश्मकश हो गई और आसपास खोजबीन भी जारी कर दी। कुछ समय बाद खोजबीन में लड़के का पता न चला तो 24 घंटे बाद थाना हल्दरपुर में ही इस बाबत रपट भी दर्ज कराई गई, पर प्रशासन अपने तरीके से लगी रही और लड़के का पता न चला, जिस पर घर वालों ने पुलिस अधीक्षक मऊ को ज्ञापन सौंपते हुए FIR दर्ज कर लड़के की जल्द खोज करने की मांग की। लड़के वालों का कहना था कि प्रशासन लड़के को खोज दे जिससे शादी हो सके, वरना लड़की वालों को क्या मुंह दिखाएगी। आपको बता दें कि 23 वर्षीय लड़का रविनंदन भारती, जिसकी शादी 22 तारीख को तय थी और वह हल्दी के दिन ही भाग गया, गांव वालों में ये भी शोर शराबा देखा गया कि कहीं लड़का किसी और के जालसाजी में तो नहीं आ गया। मामला क्या है आपका? हमारा साहब लड़का था, हल्दी के दिन भाग गया 5 बजे। हाँ, और हमको कुछ नहीं मालूम हुआ, ना वो लड़के से पूछ पाया, ना जान पाया, कुछ मालूम नहीं। लड़का भाग गया है कि लापता हो गया? लापता हो गया है ना, यानी खो गया है ना? हाँ, खो गया। हाँ, ये आप ठीक है। आगे कहाँ शादी तय हुई थी? शादी कंसो में, कंसो पटना, पटना में। अच्छा, पकवाइना के पास जो है वहाँ पर, पटना में। तो किस दिन लापता हुआ है? 17 तारीख के सुबह भोर में 5 बजे। तो आपने अपने नज़दीकी चौकी या थाने पर आपने इसकी एप्लीकेशन वगैरह दरखास्त दी? पूरा दिन, पूरा दिन ढूंढ करके तो शाम को दिए। दिए तो अभी तो कोई पता नहीं चला। अभी तक पता नहीं। तो यहाँ कहाँ आए थे आप? एसपी साहब, यहाँ भी आपने दिए? यहाँ भी दिए। क्या नाम क्या है आप? मेरा नाम गुड्डू है। हाँ, और ये इनके लड़के हैं जी। तो लड़का बिल्कुल सीधा साधा था, लेकिन 17 तारीख को इनकी हल्दी थी और हल्दी वाले दिन सुबह ऑल मॉर्निंग 5 बजे लड़का फ्रेश होने के बाद आया है, डब्बा उब्बा रखने के बाद घर था, लेकिन उसके बाद किसी को कोई जानकारी नहीं थी कि वो लड़का कहाँ चला जाए। घर से जब निकला तो कोई देखा नहीं, किसी को कोई देखा नहीं है। अब वो कहाँ चला गया, लापता हो गया, कैसे क्या हुआ, अब तक उसकी सूचना नहीं है किसी को। और उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ बता रहा है, मोबाइल भी स्विच ऑफ बता। और हमने पूरे रिश्तेदारी नाता जितने भी है, यार दोस्त जितने लोग हैं, सबसे खोजबीन अभी भी हम लोग खोजबीन कर रहे हैं। शाम के टाइम जब ये हो गया तो लड़की वाले के यहाँ 3 बजे तक मीडिएटर के जरिए उनको सूचना दिया गया कि भाई आप लोग अभी लड़की को हल्दी मत लगाइएगा। फिर उसके बाद इस तरह की यहाँ मैटर हो गया है जी, ऐसा मैटर हो गया, लड़का लापता है, कुछ अभी उसका पता नहीं चल रहा है कहाँ गया है। फिर लड़की वाले आए भी थे, आपके यहाँ आए थे? आए थे, तो वो लोग अपना गर्मा गर्मी से बात कर रहे थे। अच्छा। तो उनको समझाया गया, भाई अभी हमारा लड़का लापता है, उसमें जुटे हैं हम लोग। फिर शाम के टाइम जब उससे भी ये हो गया तो करीब 6-7 बजे करीब में हमने हल्दरपुर थाने पे सूचना दिया, और मैंने प्रार्थना पत्र के जरिए सूचना दिया। फिर उसके बाद आज मैं भी आए हैं, कल के डेट में ही SP साहब के यहाँ गुमशुदा का रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए लेटर वगैरह सब तैयार करते, लेकिन कल साहब नहीं बैठे, तो आज वो चीज़ मैं उनको दिए हैं प्रार्थना पत्र लेटर दिए था उनको। आपको क्या लग रहा है, क्या लड़की वालों ने ऐसा कर सकते हैं कि उनको उठाने का काम कर सकते हैं? सर क्या लग रहा है अब ऐसा क्या बात व्यवहार से आपको क्या लग रहा है? अब उनके बातों व्यवहार से तो उस दिन वो कह रहे थे कि हम 5 मिनट में बुलवा लेंगे लड़के को, इसका मतलब उनको पता है? अब इसका मतलब हो सकता है उनको पता हो सकता है। उनके खिलाफ भी आपने कार्रवाई की? उनके खिलाफ अभी कोई हमने कार्रवाई नहीं किया, मैंने बस लापता होने का सूचना दर्ज करवाया थाने भी और SP साहब के यहाँ भी गुमशुदा का रिपोर्ट दर्ज करवाया। अब क्या चाह रहे हैं? मैं यही चाह रहा हूँ कि लड़का मेरा आ जाए सुरक्षित किसी तरीके से, जहाँ भी हो। अभी तो हम लोग खुद डरे से हैं, सारे लोग डरे हैं, परिवार के इनके, हम लोग गाँव के लोग हैं, हम लोग सभी लोग उनके सहयोग में जुड़े हुए हैं। और
और लड़का गुम होने की वजह से हम लोग काफ़ी तौर से मतलब कोशिश कर रहे हैं कि लड़का मिल जाए। आपको क्या लगता है कि लड़कों को किसी ने भगा चले गया है या किसी ने किडनैप किया होगा? सर ऐसा है कि लड़का लापता तो हो गया है, लेकिन लड़की वाले के पक्ष वाले लड़की के पक्ष वाले लोग आकर और हम लोग को उल्टा धमकी दे रहे हैं। धमकी दे रहे हैं लड़की वाले ने? धमकी? हाँ जी। तो आपको क्या लग रहा है, धमकी से क्या अंदाज़ा लग रहा है कि क्या? सर ऐसा है कि जो बीच में अगुआ है उसके दरवाजे पर 15-20 लोग आए और आकर हमको हाथापाई करने लगा, हमको धक्का भी दे दिए। अब धक्का देने के बाद कह रहे हैं कि लड़के के पिता को और लड़के के चाचा को हम उठवा देंगे। तो इसे ये साबित होता है कि उनको पता है कि लड़का कहाँ है? जी जी हाँ, उनको पता जरूर होगा सर कि लड़का कहाँ है। लग रहा है हमको कि उन्हीं लोग ने लड़का को गुम किया है। अच्छा, आपको किस पे शक हो रहा है? आपको शक हो रहा है एक लड़के का, लड़की का मौसे का लड़का है। वो दाढ़ी ओढ़ी रखा हुआ है, चौड़ा सा है, लंबा चाकर है और ट्रक चलाता है, ट्रक का ड्राइवर है। क्या नाम है उनका? सर नाम तो हमको नहीं मालूम है। जगदीपुर उनका घर है। किसका एफ आई आर, किसके नाम से एफ आई आर दी है? एफ आई आर किसके नाम से हुआ है? गुमशुदा के आपने? जी जी हाँ, गुमशुदा का हम एफ आई आर किए हैं, हमारा लड़का गुम हो गया है। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.